नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम हुआ शुरू। 31 मई को होगी प्रधान शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा। राज्य भर में अब खटारा स्कूली बसों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिल्म ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ये दो खिलाड़ी पर्पल कैप की रेस में आगे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम हुआ शुरू। बिहार के 144 नगर निकायों के चुनाव को लेकर वार्डों के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वार्डवार मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज मतदाता सूची के विखंडीकरण को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 अप्रैल से 11 मई के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की अहर्ता तारीख 1 जनवरी 2022 के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का वार्डवार विखंडीकरण होगा। इसके साथ ही 10 मई को विखंडीकृत मतदाता सूची के डेटाबेस की जांच और पीडीएफ तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस आदेश के तहत समस्तीपुर, नवादा और शिवहर जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों के डीएम मतदाता सूची बनवाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 31 मई को होगी प्रधान शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा। राज्य भर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए की जा रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है, जो कि 31 मई निर्धारित की गई। मालूम हो कि बीपीएससी ने राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों पर प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली निकाली है। इस पद के लिए 35,000 रुपए वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार अन्य भत्तों का भुगतान भी करेगी। ड्यूटी से गायब मिले कर्मचारी, 3 का रोका गया वेतन। राजधानी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने पटना में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्हें 3 कर्मचारी बिना सूचना के ड्यूटी से गायब मिले। उन्होंने तीनों की एक दिन की सैलरी रोकी। आपको बता दें कि बीते दिन 3 सिंगल विंडो ऑपरेटर विभूति नारायण सिंह, घनश्याम गिरी और श्रुति कुमारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने तीनों कर्मियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए जिला योजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया है। यही नहीं, निरीक्षण में कर्मियों की हाजिरी दर्ज करने के लिए लगी बायोमेट्रिक मशीन खराब पाई गई। डीएम ने प्रबंधक डीआरसीसी के स्पष्टीकरण करते हुए 3 दिन के अंदर बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करने को कहा है। इन 5 शहरों में तापमान की प्रवृत्ति में तेजी से हो रही बढ़ोतरी। बिहार के कुछ भागों में जितनी गर्मी पड़ रही है उससे ऐसा लग रहा है ये जगह गर्म टापुओं में तब्दील हो रही है, जिसमें राजधानी पटना का नाम सबसे टॉप पर आता है। आपको बता दें कि जलवायु और मौसम के शोधकर्ताओं के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि बिहार के प्रमुख शहरों में किसी खास इलाके का तापमान और इन शहरों से कुछ दूरी पर स्थित उपनगरीय क्षेत्र के तापमान में 5 से 7 डिग्री का अंतर है। डॉक्टर सारथी बिहार स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कमेटी के सदस्य भी है। उनके द्वारा एक शोध में देखा गया है कि पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में हाल के 4 सालों में तापमान की प्रवृत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान का अंतर वाला शहर पटना है। राज्य भर में अब खटारा स्कूली बसों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के खटारा स्कूली बसों पर अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। स्कूली बच्चों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के सरकारी या फिर निजी स्कूलों में चल रहे खटारा बसों पर तुरंत एक्शन लेने का विभाग ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है। विभाग द्वारा कहा गया है कि जब सुबह में गाड़ियों में बच्चे रहेंगे उस वक्त उस गाड़ी की जांच नहीं होगी, लेकिन सुबह में अगर खाली स्कूल बस बच्चों को ले जाने वाली होगी उस वक्त उन गाड़ियों की जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल परिसर और बाहर में लगी गाड़ियों की जांच होगी। साथ ही जिस स्कूल के बाहर गाड़ी हर रोज लगाया जाएगा उसको लेकर स्कूल प्रशासन को रिपोर्ट देना होगा। आपको बता दें कि राज्य भर में स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए स्कूल वाहन परिचालन विनियमन को लेकर नियमावली तैयार हो गई है। गाड़ियों की जांच करने के लिए भी सभी डीटीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभाग ने निर्देश भेजा है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे प्राइवेट अस्पतालों का मांगा ब्यौरा। बिहार में रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे प्राइवेट अस्पतालों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट मांगी है जो रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि ऐसे कितने अस्पतालों और क्लिनिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई जो रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने इसका भी ब्यौरा मांगा है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए यह कहा कि राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना राज्य सरकार का दायित्व है। आईआईटी पटना ने हासिल की एक बड़ी उपलब्धि। आईआईटी पटना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल आईआईटी पटना की 9 बिल्डिंग को सोलर प्लेट से पूरी तरीके से ढक दिया गया है। इस सोलर प्लेट से प्राप्त होने वाली बिजली से आईआईटी पटना के सारे इक्विपमेंट, एसी और दैनिक कार्यों में काम करने वाले विद्युत चालित यंत्र ऑपरेट होते हैं। इन सोलर प्लांट की बदौलत
अदालत। आईआईटी पटना पिछले 3 सालों से प्रतिवर्ष औसतन 30 लाख रुपए सालाना बिजली के बिल की बचत कर रहा है। ऐसा करने वाला आईआईटी पटना संभवत पहला आईआईटी संस्थान है। यही नहीं, आईआईटी पटना से जुड़े अनिल वर्मा ने बताया है कि इन सोलर प्लेट से मिलने वाली ऊर्जा से संस्थान अपना सारा काम करता है और जो ऊर्जा बच जाती है उसे बिहार सरकार को बेचा जा रहा है। अब संकुलवार नहीं लगाया जाएगा पुस्तक मेला। बिहार के सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल, सभी जगहों पर बच्चों की किताबें खरीदने के लिए बाजार पर निर्भरता खत्म कर दी गई थी। इसे खासकर प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी थी, लेकिन अब इन लोगों की होशियारी नहीं चलने वाली। मालूम हो कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सभी संकुल में पुस्तक मेला लगाकर किताबें उपलब्ध कराई जाती थी, वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी विद्यालय में बाजार से 3 गुना अधिक कीमत पर किताबें बेची जाती थी। लेकिन इस बार बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को किताब खरीदने के बाजार की किताब दुकानों पर जाना पड़ेगा। सरकारी स्कूल के बच्चों को पुस्तक की राशि बच्चों के खाते में भेजी जाएगी और इस बार पुस्तक मेला नहीं लगाया जाएगा। आग उगलती गर्मी से अब दूर होगी बिजली संकट। बढ़ती गर्मी के साथ ही राज्य में बिजली संकट भी शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की आपूर्ति भी कम हो रही है। इसकी एक वजह एनटीपीसी की बाढ़ इकाई का बंद होना और खुले मार्केट से बिजली नहीं मिलने के कारण राज्य को कम बिजली मिलना है, और यही वजह है कि राज्य में गुरुवार को बिजली संकट जारी रहा। एनटीपीसी अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को बिहार के केंद्रीय कोटे से 4200 मेगावाट बिजली दी गई है। कहलगांव यूनिट देर शाम आ गई, लेकिन बाढ़ यूनिट आज आने की उम्मीद है। बाढ़ यूनिट आने के बाद ही बिहार के हिस्से में 600 मेगावाट बिजली की वृद्धि हो सकेगी। बाकी बिजली बिहार को खुले बाजार से लेनी है। बाजार में बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण ही मूल परेशानी हो रही है। फिल्म ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। फिल्म ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी, जो कि धर्म और मजहब में अंतर करना सिखाती है और धर्म बड़ा है या इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है, इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से UA सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी दे दी गई है। इस फिल्म का बिहार के साथ खास कनेक्शन है, वो इसीलिए कि फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू बिहार की ही है और सबों ने अपना बेहतरीन योगदान देकर एक शानदार फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में की गई है, जिसे राजधानी पटना के साथ नालंदा, गया और रोहतास जिले के खूबसूरत लोकेशन में फिल्माया गया है। फिल्म के मेकर्स को उम्मीद कि बिहार के कलाकारों के लिए मील का पत्थर यह साबित होगी और उन्होंने कहा है कि फिल्म की रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। कार्यक्रम में लगेगी सिर्फ सीएम की तस्वीर, ऐसा नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। राजनीतिक पार्टियों में पोस्टर और तस्वीर को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है, चाहे वो राजद हो या फिर जदयू। इसी क्रम में एक बार फिर से जदयू खेमे में तस्वीर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कहा है कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा किसी और की तस्वीर नहीं लगेगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार के सर्वमान्य नेता है, इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि जब भी कोई जदयू का कार्यक्रम हो तो उस दौरान बैनर पोस्टर में मुख्यमंत्री की ही फोटो लगाई जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर पार्टी के अनुशासन के खिलाफ माना जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। पीएम आवास योजना को लेकर विभाग ने डीएम पर शुरू की कार्रवाई। बेघर लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम आवास योजना में अगर किसी भी लाभुकों को आवास के लिए राशि देने में देरी हुई तो ऐसे में बीडीओ पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, जो कि अब अमल में लाया जाने लगा है। इसकी रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही इसके लिए टारगेट भी दिया गया है। विभाग ने 3 वीडियो किससे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अन्य सभी वीडियो को काम में तेजी लाते हुए जून जुलाई तक सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा करने को कहा गया है। विभाग ने पाया था कि प्रखंड स्तर पर लापरवाही के कारण स्वीकृत आवास के लाभुकों की पहली किश्त का भुगतान लंबित है। विभाग ने इसके बाद ये सख्ती अपनाई है। इन ट्रेनों में शुरू हो गई पेट्रोल की सुविधा। कोरोना संक्रमण की वजह से ट्रेनों में पेट्रोल की सुविधा नहीं दी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से रेल प्रशासन ने यह सुविधा बहाल कर दी है। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है, जिसके बाद ही आज से संपूर्ण क्रांति और श्रमजीवी एक्सप्रेस के यात्रियों को पेट्रोल की सुविधा मिलेगी। पेट्रोल की सुविधा मिलने से रेल यात्रियों को अब पहले की तरह अलग से चादर या अन्य सामान लेने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वहीं 30 अप्रैल से पाटलिपुत्र जंक्शन से खुलने वाली पाटलिपुत्र चंडीगढ़ और पाटलिपुत्र यशवंतपुर और बरौनी से खुलने वाली बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में यात्रियों को पेट्रोल की सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर अब ट्रेनों में पेट्रोल की सुविधा बहाल कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में गिरा कोरोना संक्रमण दर। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 33 से 31 हो गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 1,09,078 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 7 नए कोरोना के मामले मिले हैं जो कि राजधानी पटना के हैं। जिसके बाद राज्य में 2 नए कोरोना के मामले मिले हैं जो कि राजधानी पटना के हैं। वहीं देश भर की बात करें तो बुधवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़े के मुताबिक कोरोना के 3,337 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 17,801 पर पहुंच गई, यानी एक्टिव केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ये दो खिलाड़ी पर्पल कैप की रेस में।
आईपीएल 2022 में कुलदीप यादव की गेंदबाजी कहर ढा रही है। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज कुलदीप यादव ने बीते दिन एक बार फिर से अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दी। कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 14 रन खर्च कर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। कुलदीप यादव बेहतरीन ढंग से गेंदबाजी कर रही थी, एक गेंद को फ्लाइट करा रहे थे, दूसरी में रफ्तार बनाकर बल्लेबाज को चकित कर दे रहे थे। खराब फॉर्म की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव इस बार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और पर्पल कैप की रेस में दोनों क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद है। यूजी चहल ने अब तक 8 मुकाबले में 18 विकेट तो वहीं कुलदीप यादव 17 विकेट चटका चुके हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सचिन कुमार, महेश दास, कुश कुमार यादव, अभिषेक कुमार, मीना कुमारी, मुकेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, संजीत कुमार सुमन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बढ़ती गर्मी के साथ क्या आपके क्षेत्र में भी बिजली समस्या बढ़ गई है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।